बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड मैं हूं सलीम, आप देख रहे हैं सलीम खान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपना अक्षर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जब आप अपना अक्षर एटीएम पे फिंगर लगाते हैं उसके बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है और वो वन टाइम पासवर्ड होता है, तो उसके बाद आप उस पासवर्ड को इस्तेमाल करके और अपना नए अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं अपना मोबाइल में। बहुत सिंपल और आसान तरीका मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी एक अक्षर अकाउंट बनाना है तो इस वीडियो में देखकर और अपना अक्षर अकाउंट अपने मोबाइल में खुद बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दे। बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो इस तरह वीडियो अपलोड करता रहता हूं इस चैनल पे तो आपके पास मेरे वीडियो पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को देखकर बहुत सारा मालूमात आप हासिल कर सकते हैं और अपना मसला मसाइल आप खुद हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ गूगल को जो है गूगल क्रोम को जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ याद रखे यहाँ पे ये गूगल क्रोम है, इसको आपको ओपन करना है और जैसे ही यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो टॉप में आप सर्च बार में आपको लिखना है यहाँ पे, तो अक्षर मैंने लिख दिया यहाँ पे और इसको आप यहाँ से सर्च कर ले। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह स्क्रीन शो हो जाएगा और उसको होम पे आप क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि अक्षर वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गया और यहाँ पे ये बता रहा है कि आप यूजर नेम टाइप कर दे और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दे। तो यूजर नेम हमारा होता है कि इकामा नंबर होता है और पासवर्ड होता है वो इस तरह पासवर्ड आपके मोबाइल में आया होगा। इस तरह पासवर्ड जो है आपके मोबाइल में जब आप फिंगर लगाते हैं एटीएम मशीन पे तो इस तरह पासवर्ड आपके मोबाइल में आया होगा। तो ये पासवर्ड आप यहाँ से उठा के और उसमें टैप कर दे। तो चले मैं ये दो चीजें यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। मैंने टैप कर दिया, ऊपर इकामा नंबर टैप कर दिया और नीचे मैंने वो पासवर्ड टैप कर दिया जो मेरे मोबाइल पे आया हुआ था फिंगर लगाने के बाद। तो उसके बाद अगर आपके आपसे भूला हुआ है तो उस पासवर्ड को आपको कैसे निकालेंगे उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो को देखकर अपना पासवर्ड निकाल भी सकते है अगर आपसे भूला हुआ है। तो मैं लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते है कि मेरे मोबाइल में कोड आएगा, जो मोबाइल नंबर मैंने टैप किया अक्षर एटीएम में उसमें कोड आएगा, वो कोड में यहाँ पे टैप करके ये ओपन हो जाएगा और लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईडी ओपन हो गया यहाँ से। अभी हमसे ये मांग रहा है कि आप यहाँ पे यूजर नेम बना ले और यहाँ पे पासवर्ड बना ले और जो पासवर्ड आप यहाँ पे बनाते हैं तो उस पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करे, दोबारा लिख दे और यहाँ पे ईमेल लिख दे और ये ईमेल दोबारा यहाँ पे लिख दे और यहाँ पे अपना मोबाइल लिख दे, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दे। तो यूजर नेम आपको क्या लिखना है, कुछ ऐसे लोग होता है कि उसको यूजर नेम बनाना नहीं आता और उसको पासवर्ड बनाना नहीं आता तो ये और उसके पास जीमेल भी नहीं होता। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इसको बना सकते हैं और कहाँ से आप ले सकते हैं यूजर नेम। अगर आपको अपना यूजर नेम नहीं बनाना आता तो आप अपने पहले जो अल्फाज है आप ए या बी या सी या डी या कुछ भी ऐसे लिख दे। तो मैं ए लिख लेता हूं और उसके बाद अपना इकामा नंबर यहां पे लिख लेता हूं और यहां पासवर्ड जो है पासवर्ड में मसला ऊपर मैंने इकामा नंबर टाइप कर दिया और साथ में एक अल्फाज उसमें ए मैंने लिख दिया। आप अपना मर्जी से लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, जो आपका मर्जी है आप यहाँ पे लिख दे ऊपर यूजर नेम की जगह पे। और नीचे पासवर्ड की जगह पे जो है आपको क्या करना है, पासवर्ड में एक अल्फाज आप बड़ा रखना है और उसके साथ बाकी अल्फाज आप छोटे रख दें और साथ में एक दो इनसे रख दें। तो मैं अभी आपके सामने इसको लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ। आपको स्क्रीन में भी आपको नजर आ रहा है कि कुछ बड़ा और छोटा अल्फाज आपको लिखना है। मैंने लिख दिया अली 2021 मैंने लिख दिया और इसमें सिर्फ एक अल्फाज मैंने जो है बड़ा रखा हुआ है, शुरू में से ए मैंने बड़ा रखा हुआ है, बाकी छोटा मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये मुझसे मांग रहा है कि आप जीमेल यहाँ पे टैप कर दे। तो जीमेल अक्सर लोगों के पास पता नहीं होता हमारे पास जीमेल कहाँ से होता है, जीमेल आपसे वेरिफिकेशन कोड ये नहीं मांगता। तो आपको क्या करना है, आप अपना प्ले स्टोर पे चले जाइए। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ मेरे प्ले स्टोर है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप टॉप में आपको नजर आ रहा है ये डीपी,
यहाँ पे आपका भी लगा होगा, तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपके जितने आपके जीमेल होगा तो यहाँ पे शो होगा यहाँ पे आपके मोबाइल में। तो यहाँ से आप अपने जीमेल का जो है जीमेल आप यहाँ से अपना उठा सकते हैं। तो मैं जीमेल यहाँ पे टैप कर लेता हूँ, ऊपर जीमेल मैंने लिख दिया और उसके बाद ये जीमेल जो है हमें यहाँ पे नीचे टैप करना है। तो ये जीमेल मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। ये वेरिफिकेशन कोड इस पे नहीं आएगा, इससे आप नहीं डरना, बस आप लिख दे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टैप कर दे, जो मोबाइल नंबर आप टैप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैप कर ले। तो जीरो के बगैर आपको टैप करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि यूजर आईडी की जगह पे मैंने शुरू में ए लिख दिया, उसके बाद एकामा नंबर टाइप कर दिया और नीचे पासवर्ड मैंने आपको ये स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है इस तरह पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया और नीचे जीमेल मैंने टाइप कर दिया और ये जीमेल दोबारा मैंने यहाँ पे नीचे टाइप कर दिया और नीचे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दे। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप वेरिफिकेशन कोड टाइप कर दे, यहाँ पे अपना एकामा नंबर टाइप कर दे। तो मैं यहाँ पे कोड मेरे पास आएगा मेरे मोबाइल में, वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ और यहाँ पे मैं जो है एकामा नंबर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ओपन हो गया। दोस्तों ये आईडी यहाँ पे बन गया और ओपन हो गया। इतना सा सिंपल सा काम है और आप अगर इसको इस्तेमाल करने का किसी को पता नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दिया, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नए यूजर जो है कैसे अक्षर अकाउंट कैसे इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक में भी शेयर करें ताकि और लोगों को जो है आपकी वजह से उनको भी फायदा हो जाए और उनको भी